ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, क्या है उनकी थॉट प्रोसेस, क्या है एग्जैक्टली उनके मन में। सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। क्या चाहते हैं वो, क्या वो वापस से आपके पास आने का सोच रहे हैं या इस रिलेशनशिप को यहीं ओवर करने का सोच रहे हैं। हम इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ इस रीडिंग को करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर उस पहलू की तरफ जाएं, हर उस चीज़ को कवर करें जो इस रीडिंग में ज़रूरी है। रीडिंग कौन कौन देख सकता है? सो जो लोग भी ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ ऐसा उनकी लाइफ में भी फ़िलहाल चल रहा है जिसकी वजह से वो ऑन ऑफ में रहते हैं, सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है और चीज़ें ठीक नहीं कर पा रहे, सो उन सब लोगों को कहीं ना कहीं ये रीडिंग मैच ज़रूर करेगी। सो कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल पाएँ। बाकी जिन्होंने फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ इस चैनल को आपने इतना पसंद किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो सिर्फ रीडिंग देख के चले गए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। फ्रेंड्स कॉमेंट करके ज़रूर बताया करें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फटाफट से बिना समय गवाए इस रीडिंग को करते हैं अब स्टार्ट। ओके, सो अक्वेरियस यानी कुंभ राशि। सो फ्रेंड्स, क्या आप इस नो कॉन्टैक्ट में फील कर रहे हैं और क्या ही आपका पार्टनर, ये सब हम वन बाय वन देखेंगे। लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपकी इस नो कॉन्टैक्ट में अक्वेरियस कुंभ राशि एनर्जी से। सो द टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हेरोफेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको अक्वेरियस, जो आप सोचते थे ना लाइफ में, आप आज तक आपने जो एक अपने दिमाग में एक छवि बना रखी थी रिश्तों को लेकर, शायद वो बहुत बुरी तरह रिसेंटली टूटी है। आपने शायद अपना फ्यूचर जिस तरह से प्लान करा था वैसा हो नहीं पाया, रिश्ते उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में चल नहीं पाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती सामने वाले की ही थी। देखिए, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, कुछ गलतियाँ आपकी भी होंगी और वही चीज़ आपका भी स्पिरिचुअल लेसन है। हम सब इस पृथ्वी पे आए हैं, धरती पे आए हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। कोई भी भगवान नहीं है और कोई भी पूरी तरह संपूर्ण नहीं है कि हम कहें कि 100/100 वो बिल्कुल ही सही है। हम सब में कहीं ना कहीं जो पांच हमारे तत्व हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो जो भी हम पांच चीज़ों में हम फंसे हैं, किसी में कुछ ज़्यादा है तो किसी में, और हम क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में कौन सी चीज़ हमने कहाँ दिखा दी, उसका बहुत इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। सिमिलरली आपके साथ भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये जो टावर मोमेंट आया, क्योंकि रीडिंग ही आपकी टावर मोमेंट से शुरू हुई है, अभी फिलहाल जैसे जिंदगी एकदम रुक सी गई है, जैसे कहते हैं ना, धक्का सा लगा है बहुत बड़ा, और आप कहीं ना कहीं एकदम जैसे इस बहुत बड़े झटके को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस बहुत बड़े झटके को सह जाऊं और सेटल करूं इसे किसी तरह, चुप रहकर, शांत रहकर, या समझूं कि मेरी लाइफ में ये हुआ क्यों है। क्योंकि कभी कभी हमें भी नहीं समझ में आता, जब हम फ्लो में कुछ चीज़ें करते जाते हैं या बोलते जाते हैं तो हमें भी रियलिटी से उसका सामना नहीं हो पाता। बट अल्टीमेटली जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि आप और आपके अंदर एक ऐसी दिमाग में भी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा संभालना चाहते हैं। आप यहाँ से एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे कहते हैं ना, जैसे कुछ टूटता है तो उसके बाद थोड़ा समय उसे संभलने में लगता है, आप वो संभलने वाले समय में हैं। अभी आप उस समय से बाहर निकल कर आगे की तरफ बढ़ेंगे। सो फिलहाल तो मुझे आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही हैं। देखते हैं जिस पर्सन के साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं रिलेशनशिप में, वो क्या सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो भी क्या इसी तरह की एनर्जी में है या वो कुछ और सोचते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर के माइंड की एनर्जी से। द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स।
देखिए यहाँ पर ना मुझे सबसे पहली चीज तो ये दिख रही है कि जैसे आपके लिए टफ हुई हैं चीजें, आपके लिए परेशानी भरी रही हैं, सेम आपके पार्टनर के लिए भी रही हैं, उनके लिए भी कोई लाइफ इजी या बहुत आसान नहीं रही है, चीजें उनके लिए भी इस टाइम टफ हैं, वो भी अपने आप को बहुत ज्यादा सेटल करने की, संभालने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से, बट कहीं ना कहीं अभी जो चीज उनके लिए जो उनका बेस्ट क्या कहते हैं उनकी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो है उनका परिवार, वो है उनके दोस्त। बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि वो अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ और कुछ केसेस में थर्ड पार्टी के साथ बहुत बिजी हैं। ज़रूरी नहीं है ये देखिए, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड आया तो थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा कोई एक्स्ट्रा लव हो या कोई एक्स्ट्रा पर्सन ही हो, वो परिवार भी हो सकता है, वो अपना काम भी हो सकता है, वो अपनी पॉजिटिव सोच भी हो सकती है। तो अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने उन चीज़ों में बिजी करा हुआ है, आपसे दूर रहने का, आपसे अलग होने का उन्हें भी कहीं ना कहीं खेद है, लेकिन फिलहाल वो अपने हीलिंग पे बहुत काम कर रहे हैं, खुद को बहुत संभाल रहे हैं। बट जहाँ तक क्या ये दिख रहा है कि ये कोई रिकनसाइल करना चाहते हैं या कुछ वापसी करना चाहते हैं, वो मुझे अभी इन कार्ड्स में अगले एक हफ्ते में तो नहीं नज़र आ रहा। सो वो एक उम्मीद के लिए अभी आपको थोड़ा समय रुकना होगा, देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे चलकर टर्न आउट करती हैं, ठीक है। सो बढ़ते हैं अब गाइडेंस की तरफ, देखेंगे कि क्या गाइडेंस मिल रही है आपके लिए और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, ठीक है। सो अक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, सो हम अपने मूनोलॉजी कार्ड से देखेंगे। देखिए सबसे पहला है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। कहीं ना कहीं लाइफ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा एकदम एक समय आ गया था जहाँ पर चीज़ें रुक सी गई थी, वहाँ अब चीज़ें धीरे 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 आगे बढ़नी शुरू हुई हैं आपकी लाइफ में। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ टूटने के बाद की जो शांति है वहाँ पर अभी आप हैं और उस शांति से थोड़ा समय लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी आप एक पॉज मोड से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। अगला है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देखिए अक्वेरियस अभी तक आप लाइफ में किस तरह रहे, कैसे किया, क्या किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो एक सोच होती है, खासकर जब हम 25-30 साल की उम्र में होते हैं, हम कहीं ना कहीं बहुत, बुरा मत मानिए, हम सबके लिए मैं कहूँगी ये बात, बहुत हवा में होते हैं, हमें लगता है ज़िंदगी जैसा चाहेंगे वैसा हम मोड़ लेंगे, उस तरह से कर लेंगे, ये कर लेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समय हमें सिखाता है और इंसान बहुत बदलता है वक्त के साथ और वक्त बहुत कुछ सिखाता है। कुछ ना कुछ आपको भी ऐसा ही सबक या कुछ इस तरह की चीज़ें आपने, वक्त ने आपको भी सिखाई हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आपको भी खुद को थोड़ा सा वक्त के साथ बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। सो कोशिश करें जितना हो सके अपने आप को शांत रखें और बदलने की कोशिश करें, बट एक पॉजिटिव वे में, ठीक है, नेगेटिव आपने नहीं होना है। सो ये है आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, और पसंद आई हो या क्लैरिटी मिली हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए तो मैं हूँ ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये रीडिंग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।